नरेंद्र मोदी सरकार में पिछले 10 साल से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे अजीत डोभाल को भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी का जेम्स बॉन्ड कहता है। अब वही जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल जेल जाने से डर रहे हैं, इसीलिए मोदी के साथ साय की तरह रहने वाले डोभाल इस बार अमेरिका मोदी के साथ नहीं गए। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का सालाना अधिवेशन अब शुरू होने वाला है, ऐसे में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष अपने लाभ लश्कर के साथ अमेरिका पहुंच रहे हैं और खरबों की डील कर रहे हैं। अमेरिका दुनिया भर को अपना खतरनाक हथियार और न जाने क्या क्या बेच रहा है। इसी बीच एक खबर भारत और भारत के लोगों को काफी अखर रही है और वो खबर है अमेरिका में अजीत डोभाल का ना होना। विदेशी दौरों पर हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ साय की तरह रहने वाले अजीत डोभाल इस बार नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है और कहा जा रहा है कि आखिर अजीत डोभाल मोदी के साथ क्यों नहीं। जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, राजदूत विनय क्वात्रा तो वीडियो में दिख रहे हैं लेकिन अजीत डोभाल नहीं दिख रहे और इसको लेकर काफी कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है, तो सोचा हम भी आपको बताएं कि इसका राज क्या है। अमेरिका में नरेंद्र मोदी हैं और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उनके साथ नहीं है। इसी को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे संजय बारू ने सवाल उठाए और कहा कि अमेरिकी कोर्ट ने अजीत डोभाल को समन जारी किया है। हालांकि समन फॉर्मली भेजे गए हैं, ऐसे में कहा जा रहा है कि इसी वजह से अजीत डोभाल अमेरिका नहीं गए, लेकिन अजीत डोभाल के ना जाने का एक दूसरा कारण सामने आया है जिसमें कहा जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थक आतंकी गुरु पंतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिकी कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कथित तौर पर कुछ भारतीय अधिकारियों के नाम है और आरोप लगा है कि हत्या की प्लानिंग इन्हीं लोगों ने की। अब इसी को लेकर अजीत डोभाल अमेरिका नहीं गए और इसीलिए भारतीय मीडिया में बहस हो रही है। सूत्रों के हवाले से मीडिया में छप रही खबरों की माने तो अमेरिकी अदालत ने जिन लोगों को नोटिस जारी किया उनके नाम है अजीत डोभाल, रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल, विक्रम यादव, जबकि कोर्ट के नोटिस को भारत ने गलत और बिना सिर पैर का बताते हुए खारिज कर दिया। डेकन हेराल्ड में छपी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के कारण डोभाल अमेरिका नहीं गए। अब इसमें क्या सही है क्या गलत ये हम नहीं जानते, लेकिन भारतीय मीडिया मोदी के साथ अजीत डोभाल के ना होने पर सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कि क्या हम साधारण से नोटिस को इतना सीरियस ले रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों मोदी के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल को लेकर मीडिया में हंगामा मचा है।